हे दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डीके ट्यूट्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमने दो वीडियो में पहला इंट्रोडक्शन में सीखा था, दूसरा फाइल मेनू के बारे में सीखा था। फाइल मेनू में जितने भी ऑप्शन हैं सबके बारे में हमने सीखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। आज हम होम के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, होम के अंदर कितने सारे टूल्स हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट है, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो हम एक एक करके सबको सीखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पेज है, जो हम पेज ऑटोमेटिक हमारा पेज आ गया है और हम नया पेज ले सकते हैं। तो इसी पेज पे हम काम करते हैं, कुछ टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे पास शॉर्टकट है, हम बताए थे आपको। इक्वल टू प्रेस करेंगे और R A N D लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे, इंटर मारेंगे तो तुरंत टेक्स्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो ये टेक्स्ट आ गए हैं। तो दोस्तों, ये सिलेक्ट है अभी, तो सिलेक्ट करना है दोस्तों। ऐसे ही माउस से ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ये सिलेक्ट हो गया है तो आप देख रहे हैं ये इनेबल हो गया है। ये पहले इनेबल नहीं था, जैसे हमने बाहर क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं कट कॉपी इनेबल नहीं है, सिर्फ पेस्ट इनेबल है। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट किए ये इनेबल हो गया, इनेबल हो गया। जैसे हम कट पे क्लिक किए तो ये यहाँ से कट हो गया। इसका यूज दोस्तों कट करके किसी भी अलग जगह पे पेस्ट करने में किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कर्सर यहाँ पे है हमारा और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली। तो यहाँ पे जैसे हम माउस लेके जा रहे हैं उसका ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये ऐसे रहने देते हैं, पेस्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने कट किया था वो पेस्ट हो गया है। जितना बार हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह आप देख रहे हैं पेस्ट हो रहा है। आपको एक नंबर डाल के दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, एक नंबर था यहाँ पे, फिर दो नंबर किए हमने, फिर पेस्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए दो नंबर हो गया यहाँ पे, फिर तीन प्रेस किए। तो हम जितना बार चाहें उतना बार पेस्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से किसी भी टेक्स्ट को कट करके। तो दोस्तों, ये था पहला कट करके। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल सी है। कर्सर को आप इसके सामने रखेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। इसका मतलब इसको कॉपी करके कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं और यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद में आप कहीं भी इसको क्लिक जाकर पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी करेंगे तो भी आ जाएगा या तो यहां से जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि कट एंड कॉपी का यूज कैसे किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कैसे किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम नए वीडियो बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, हम ये बेसिक से एडवांस लेवल में सीखेंगे, सभी टूल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हमने कट एंड कॉपी और पेस्ट कैसे करना है इसके बारे में सीखा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक सेक्शन कम्प्लीट हो गया। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो बनी है, इस पर माउस ले जाते हैं तो क्लिपबोर्ड दिख रहा हमको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है, जो हम यहाँ पे काम करते हैं डॉक्यूमेंट में उसकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव होते रहती है। तो हमने कॉपी पेस्ट किया तो सब दिखा रहा है, यहाँ से क्लियर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो दिखा रहा है क्लिपबोर्ड एम्प्टी, कॉपी आर कट टू कलेक्ट आइटम। जैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं अभी, जैसे कंट्रोल सी किए कॉपी हो गया तो यहाँ दिखाए कि ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हुआ, कॉपी हुआ है। और जैसे यहाँ पे पेस्ट किए तो ये वही दिखा रहा, फिर एक बार और पेस्ट करेंगे तो वो एक बार ही दिखा रहा है।
जैसे जितना बार कॉपी पेस्ट करेंगे अलग अलग बार वो यहाँ पे दिखाते जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है, जो पेस्ट हुआ है उस पे जाना चाहते हैं जितना बार उस पे जाके आप देख सकते हैं। एक बार इस पे पेस्ट हुआ है, एक बार उस पे हुआ है, और यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ से डिलीट होगा, वहाँ से नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड है, जो हम यहाँ पे वर्क करते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। वो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन है मूव साइज क्लोज, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ से क्लिक करके आप ला सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये एरो दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। इसी वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेट सीखेंगे, ये टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स है इसके बारे में। तो दूसरा वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।